हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करते हैं बच्चों सेकंड क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है माय बॉडी, और इसका चैप्टर है ग्रोइंग अप। उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रोइंग अप का मतलब है बच्चों हम किस तरह बड़े, किस तरह हमारा जो ग्रो या विकास हुआ उसके बारे में, ग्रोथ हुई। आई वाज बॉर्न एज ए बेबी बॉय गर्ल्स, यानी कि मेरा जन्म किस रूप में हुआ था। कोई बच्चा अपने बारे में बता रहा है बच्चों, यहाँ पे एक लड़के के रूप में या एक लड़की के रूप में मेरा जन्म हुआ था। एज एन इन्फेंट आई कुड मूव ओनली माय आर्म्स हैंड्स एंड लेग्स, यानी कि एक छोटा सा जो शिशु होता है ना बच्चों, बिल्कुल छोटा सा होता है, ये बच्चा कह रहा है जब मैं उस रूप में था तो मैं अपनी हाथों को, अपने पैरों को हिलाता था सिर्फ, यानी कि मैं अपने पूरे शरीर को नहीं हिला पाता था जब मैं इन्फेंट यानी कि शिशु के रूप में था। आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है बच्चों? जब ये बच्चा कह रहा है कि जब थोड़े से समय बाद, आफ्टर सम टाइम, मैंने क्या किया, रेंगना स्टार्ट किया। क्रॉलिंग होती है रेंगना। Then after some time I started standing up। और उसके बाद पहले वो क्या करता है बच्चा, अपने हाथों पैरों को हिलाता है थोड़ा थोड़ा, ये देखो हाथों पैरों को हिला रहा है ना। उसके बाद उसने क्या किया, रेंगना स्टार्ट किया ऐसे, और उसके बाद उसने स्टैंडिंग अप यानी कि खड़ा होना स्टार्ट किया, यानी कि थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया इसकी सहायता से। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। This is the way I grew up, यानी कि मैं इस तरह बड़ा हुआ। वो अपने बारे में बता रहा है, पहले मैं बिल्कुल छोटा था, उसके बाद में इतना बड़ा हुआ, उसके बाद इतना बड़ा हो गया। This I am still growing, और वो बच्चा क्या कह रहा है, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी भी मैं बड़ा हो रहा हूँ। My parents take care of me, यानी कि मेरे मम्मी पापा मेरी क्या करते हैं, टेक केयर यानी कि देखभाल करते हैं। दे फीड मी हेल्थी फूड फॉर माई प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि बच्चों मेरे मम्मी पापा है, ये बच्चा कह रहा है, मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, मेरे को ऐसा खाना खिलाते हैं, ऐसा अच्छा खाना खिलाते हैं जो मुझे बढ़ने में मदद करे, यानी कि ऐसा हेल्दी फूड खिलाते हैं मेरे को जो मेरी बढ़ने में मेरी मदद करे। ओके बच्चों, आगे देखो। हेल्दी फूड होगा तो हम जल्दी बढ़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्दी फूड आप देख लीजिए, ये होते हैं ना, तो ये आगे देखिए। फूड हेल्प्स मी टू ग्रो अप, क्या करते हैं बच्चों, जो ये फूड हम खाते हैं ना, ये क्या करते हैं, हमारी बढ़ने में मदद करते हैं। इट गिव्स मी एनर्जी, ये क्या देते हैं हमें, या बच्चा बोला है मुझे ये क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बच्चा क्या खाता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें एनर्जी आएगी और वो भागेगा दौड़ेगा, अच्छी तरह पढ़ाई भी करेगा, अच्छी तरह खेलेगा, है ना, एनर्जी से। आई ड्रिंक मिल्क, यानी कि बच्चा क्या करता है, दूध भी पीता है, अच्छे बच्चे दूध पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और फल वगैरह ये खाते हैं। चलो बच्चों आगे देखते हैं। माय वेट इज इंक्रीजिंग, यानी कि मेरा वेट बढ़ रहा है। आई एम क्रॉलिंग टॉलर, यानी कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ बच्चों, बढ़ रहा हूँ। आई एम लर्निंग मोर अबाउट थिंग्स एंड पीपल अराउंड मी, और वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं उन चीज़ों को और जान रहा हूँ। थिंग्स होती है बच्चे चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, और लोगों को, लोग जो हमारे आसपास होते हैं, मम्मी पापा आस पड़ोस में सब के बारे में बच्चा क्या कह रहा है, मैं जान रहा हूँ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है सबके बारे में जानता है, जैसे बच्चा जब घर में होता है ना बच्चों, तो आप जैसे आप छोटे हो तो घर में पहले अपने मम्मी पापा को जानोगे, दादा दादी को जानोगे, उसके बाद अब जब आप खेलने जाओगे तो आप दोस्तों को जानोगे,
आस पड़ोस में आपके कौन कौन रहते हैं उनको जानोगे, और उसके बाद क्या करोगे, आप स्कूल में जाओगे तो आपके बहुत सारे और दोस्त बनेंगे, फिर आप सबको जानने लग जाओगे। दिस इज द वे आई एम ग्रोइंग अप, और इस तरह यह क्या, ये रास्ता है मेरे बड़े होने का, यानी कि मैंने अच्छा अच्छा खाना खाया और मम्मी पापा ने भी मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, और इस तरह मैं बढ़ता गया, यानी कि बढ़ रहा हूँ, जैसे आप बड़े हो रहे हो, है ना बच्चों। ये हाफ चैप्टर करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि बच्चों जो जीवित चीजें होती है ना, जो हमारी संजीव जिसको बोलते हैं, जिनके अंदर जान होती है बच्चों, वो चीजें क्या करती है, बढ़ती है, जैसे प्लांट्स हो गए और हम हो गए, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ आल लिविंग थिंग्स इज दैट दे ग्रो, यानी कि बच्चों जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है ना जीवित चीजों की, यानी कि जैसे हम हैं या पौधे हैं, उनकी क्या होती है बच्चों, वो क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, है ना। ए सीड ग्रोज इंटू ए सीडलिंग, इस ये क्या कह रहा है बच्चों, जो एक सीड यानी कि जो एक छोटा सा अंकुर होता है ना, जो बीज होता है बच्चों, वो क्या होता है, एक अंकुर के रूप में बाहर आता है, सीडलिंग के रूप में। सीड होता है बच्चों, ये रहा बीज, ये रहा सीडलिंग। ए सीडलिंग ग्रोज इंटू ए स्पेलिंग, यानी कि जो ये सीडलिंग है, ये क्या होता है, एक पौधे के रूप में फिर बड़ा होता है, ग्रोज होता है बच्चों बड़ा होना। पहले बीज से क्या हुआ, अंकुर फूटा थोड़ा सा, उसके बाद फिर ये पौधा बना, विच फर्दर ग्रोज इंटू ए बिग प्लांट, और इस तरह वो क्या हो गया, एक पौधे से आगे बढ़ता गया और एक बहुत बड़ा प्लांट यानी कि पेड़ बन गया। ए स्मॉल बेबी डेवलप एंड ग्रो इंटू एन ऑल मैन, यहाँ देखो बच्चों, जैसे ये छोटा सा बेबी है ना, ये बढ़ता गया, पहले इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, स्कूल जाने लग गया आपके जितना, और इस तरह फिर आपके पापा जितना हुआ, फिर आपके दादाजी जितना, तो इस तरह एक छोटा बच्चा बड़ा होते होते क्या बन गया, एक ऑल मैन, है ना। ए बर्ड ग्रोज फ्रॉम ए स्मॉल एग, यानी कि बच्चों जो बर्ड होता है ना, पक्षी होता है जो, वो क्या होता है, किसमें से निकलता है, वो एक अंडे के अंदर से। तो क्या होता है, पहले वो एक छोटा सा पक्षी होता है, वो क्या होता है, अंडे से बढ़ता है, इसके अंदर से निकल रहा है ना, ये पहले अंडा है, उसके बाद से पक्षी निकल रहा है। द एग हैच एंड ए लिटल बर्ड कम्स आउट, और जब अंडा थोड़े टाइम बाद टूटता है, थोड़े दिनों बाद, तो उसमें से क्या होता है, बच्चा ये बाहर आ जाता है, जैसे ये आ गया। इट ग्रोज इंटू ए फुल ग्राउंड बर्ड, और इस तरह ये जो बच्चा है छोटा सा इसका पक्षी का, वो बड़ा होते होते बड़ा हो जाता है, यानी कि उड़ने के लायक हो जाता है। ओके बच्चों, एक पक्षी के रूप में पहले ये अंडे के रूप में होता है, फिर थोड़ा सा ये जब बढ़ने लगता है तो अंडा टूट जाता है, उसमें से ये बाहर आ जाता है, फिर ये बड़ा होके चिड़िया, बड़ी सा चिड़िया सी दिखा रखी है ना यहाँ, ये बन जाता है, फिर उसको उड़ना भी आ जाता है। आगे देखो बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अप ओल्ड, यानी कि बच्चों जो जीवित चीजें हैं, जिनके अंदर जान होती है, जो सांस लेते हैं या जो बढ़ते हैं, वो क्या है, पुराने होते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, उनकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है बच्चों। ओके, तो ये हम देख लेते हैं, ऑल लिविंग बींग्स आर बॉर्न्स, जो जीवित चीजें हैं बच्चों, वो जन्म लेते हैं, दे ग्रो अप एंड गेट ओल्ड, और वो बढ़ते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। ओके बच्चों, वी अब थिंग्स टू रिमेम्बर, हमें याद रखने वाली चीजें क्या है, वी नीड फूड टू ग्रो अप, हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। फूड बिल्ड्स आवर बॉडी एंड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, और हमें खाना क्या देता है, हमारे शरीर को
ताकतवर बनाता है और हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। आओ बच्चों, इसको जानते हैं हम और अच्छे तरीके से समझते हैं इस लेसन को वीडियो के माध्यम से। चलो देखते हैं वीडियो। हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन लाइफ साइकिल। Stages of human life cycle. Fetus. Baby. Childhood. Toddler. Preschooler. Schoolboy. Adolescence. Adulthood. Old person. This is what we call the fetus. Stage 2. Baby. After 9 months in the mother's womb, the baby is born. Babies from birth to 1 year are called infants. Babies are usually fed on mother's milk. Newborn babies can breathe, suck, swallow, and cry when they feel hungry, cold, and hot, or any other uncomfortable situation. This is how they communicate as they still cannot talk. Stage 3. Childhood. The stage childhood can be divided into 3 sub-stages. Toddler, 1 to 3 years. Preschooler, 3 to 5 years. Primary schoolboy, 5 to 12 years. The baby gradually grows into a toddler. It slowly learns to crawl and then walk, talk, run, jump, eat by itself, identify things in its surroundings. A preschooler communicates properly, reads, writes, and makes friends and does many more childhood activities. A primary schooler has developed good muscle control and coordination, hand-eye coordination, thinking patterns, personal habits, awareness of safety issues. Stage 4. Adolescence. This is the stage that a child grows into an adolescent through a period called puberty. Puberty usually takes place in a child's teenage years, starting from 13 years up to 19 years of age. Therefore, adolescents are also called teenagers. But in some girls and boys, puberty takes place at the ages of 10, 11, and 12 too. During the puberty, a rapid growth and changes of the body take place. Both boys and girls will be taller, heavier, and stronger, get hair underarms, on legs and arms, and around genitals, get more oily skin, and start to sweat more. Boys also get a deep, rough voice, hair on face, broad shoulders, chest, and bigger muscles, while girls begin to develop their breasts, hips, and start menstruating. Similarly, at this stage, the behavior patterns and attitudes of the teenagers will change as they are independent in doing their day-to-day activities. Stage 5. Adulthood. People who are from age 20 years to 65 years old are adults. Adults are at the right age to reproduce and make their own families. Adults can be divided into young adults, 20 to 36 years, middle-aged adults, 36 to 55 years, older adults, 55 to 65 years. Stage 6. Old person. When a person reaches 65 years of age, he is known as an old or elderly person. The average life expectancy of a person can vary from 70 to 85 years. But it totally depends on the health of each person, as some die before 70 years, whereas some die after 85 years. However, the human life cycle ends at this stage. I hope you learned the stages of the human life cycle.